गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं भाई। तो सेशन में जुड़ जाइए फटाफट से सभी लोग, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग। तो फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो कि एमपी सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और ऐसे सवाल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सेशन में, फिर हम सेशन को करते हैं शुरू। ओके, हेलो हेलो। चलिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को किया होगा। कर लिया तो बताइए क्या सवाल था। मैंने बोला था उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको करना, बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर भी किया है। ओके ठीक है, और बताइए। सभी लोग आंसर करें एक एक करके। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सेशन में आप लोग। मेरा जो सेशन है डेली सेट और यूजीसी नेट दोनों चैनल्स पे रहेगा 4 PM पर, तो आप लोग जुड़ जाया करो यहाँ पे डेली, जिसमें हम एमपी सेट को फोकस रखते हुए सेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी है क्या? ओके चलो देख लेते हैं फटाफट से। अब हमसे कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग कैरेट फूड एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, कैरेट फूड और वेजिटेबल्स के बीच में हमको इस तरह से रिलेशनशिप बताना है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ओके देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो भाई फूड क्या है? एक वेजिटेबल ही तो है, तो यानी कि फूड के लिए एक बड़ा सा मैं सर्कल बना दूंगा, उसके अंदर रख दूंगा वेजिटेबल, कि सारे के सारे जो फूड्स हैं वेजिटेबल, सारे के सारे जो वेजिटेबल्स हैं फूड का ही पार्ट है। और दिस इज फॉर फूड, दिस इज फॉर वेजिटेबल। बात करी जाए अगर कैरेट की, कैरेट क्या है? कैरेट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, यानी कि कुछ ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखेगा, यानी कि सबसे बड़ा वाला सर्किल दिस इज फॉर फूड, इसके अंदर वाला सर्किल दिस इज फॉर वेजिटेबल्स, और सबसे अंदर वाला जो सर्किल है दिस इज फॉर कैरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर एट। ये वेन डायग्राम का सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। ऑल राइट, चलो अब चलते हैं नए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक बार क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है। डीआई का एक सवाल है जिसके लिए आपको 2 मिनट का समय मैं देता हूं, जो कि मोर देन सफिशियंट रहने वाला है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि कैरेट और वेजिटेबल पे कोई ऐसा कॉमन रिलेशन नहीं है। सारा का सारा जो कैरेट है किसके अंदर आ जाएगा? वेजिटेबल के अंदर आ जाएगा। रेशियो का ये सवाल है, बहुत ही आसान है बिल्कुल, ये एमपी सेट के लिए ही क्लास है, स्पेशली दिस इज फॉर एमपी सेट। ये प्रीवियस ईयर का ये सवाल है फ्रॉम डीआई पार्ट।
ओके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9:17 कह रहे हैं आंसर, 9:17। ओके और बताइए भाई, और बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। 15 seconds लेफ्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके चलो, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन स्केल 3 एंड स्केल 4 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या, जैसे कि आपको दिख रहा है डेटा आपको दे रखा है यहाँ पे डिपार्टमेंट और उनका स्केल्स दे रखा है, जैसे कि ऑपरेशंस, सिस्टम, अकाउंट्स एंड सो ऑन, ये आपके डिपार्टमेंट, ये उनकी स्केल्स दे रखी। तो हमसे कह रहे हैं जो स्केल 3 के जो लोग हैं और स्केल 4 के जो लोग हैं उनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनके बीच का हमको रेशियो बताना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, स्केल 3 के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को प्लस करोगे, एम्प्लॉयज 4 स्केल 4 के एम्प्लॉयज को प्लस करोगे और उसका रेशियो निकाल। यही सवाल था। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सो दिस विल बी 85 प्लस 75 यानी कि 160, 160 और 320 यानी कि 480, 480 ये है और 100 ये है यानी कि 580, 580 और 120 यानी कि दिस विल बी 600 एंड 700, 700 एंड 250। कैलकुलेशन ऐसे करो कि अच्छे अच्छे नंबर्स को एक साथ लो। आगे दिस इज फॉर स्केल 3, बात करते हैं स्केल 4 के बारे में। तो दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 270, 270 एंड 100 यानी कि 370, 370 एंड 30, 400 एंड 450, 450। तो स्केल 4 के लिए देर आर 450 एप्लीकेट्स, सॉरी 450 एम्प्लॉयज। ठीक है, निकाल लो रेशियो। नाइनटीन रेशियो नाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दैट इज 400, दैट इज 19:9 यानी कि दिस इज 450। तो कैलकुलेशन के बाद आपका आएगा 950 एंड 450। ओके okay. क्रिस्टल क्लियर है। अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिस इज फ्रॉम सिलॉग। सिलॉग से एक सवाल जरूर आएगा, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। तो देखो क्या कह रहा है, ओके ऑप्शन
ऑप्शन सी। अच्छा देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं, समय हो चुका है समाप्त। हमसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट वन, ऑल गर्ल्स आर साइंटिस्ट, यानी कि सारी की सारी जो गर्ल्स हैं वो साइंटिस्ट हैं, ऑल गर्ल्स आर साइंटिस्ट, कुछ इस तरह से। आगे ऑल साइंटिस्ट आर पीकॉक, यानी कि सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, पीकॉक हैं, यानी कि कुछ इस तरह से। आगे फिर कह रहा है कंक्लूजन में ऑल गर्ल्स आर पीकॉक, सारी की सारी जो गर्ल्स है वो पीकॉक होंगी। अब हमको क्या करना है, एक एक करके कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाना है। ऑल गर्ल्स आर पीकॉक, सारी की सारी जो गर्ल्स है वो पीकॉक का पार्ट है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई, सारी की सारी गर्ल्स पीकॉक के अंदर ही है, यानी कि दिस विल बी राइट। सम पीकॉक्स आर साइंटिस्ट, कुछ जो पीकॉक है वो साइंटिस्ट का पार्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पीकॉक का पार्ट है, सारे का सारा साइंटिस्ट ही तो है, यानी दिस विल बी राइट। कंक्लूजन वन एज वेल एज कंक्लूजन टू बोथ आर राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। इज इट क्लियर? बिल्कुल। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गलत क्यों कर रहे हो आप सब, बी नहीं है सी। क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े, करिए भाई इसको। क्या है भाई आंसर बताइए। ओके हाँ ऑप्शन सी बी। ओके अलग अलग आंसर आ रहे हैं इतना समय इस क्वेश्चन में नहीं लगता वैसे। ओके चलो देखिए हमसे कह रहा है यहां पे ए ई के सी जी एम E K Q G M S, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, A के बाद C, C के बाद E, E के बाद G, यानी कि प्लस टू, यानी कि एक अल्फाबेट को बीच में छोड़ दे रहा है फिर नेक्स्ट अल्फाबेट, यानी कि ऑल्टरनेट I Q W आ रहा है। ओके A B C, C D E, E एफ जी, जी एच आई, यानी कि दिस शुड बी आई, यानी कि यहां पे प्लस टू बन रहा है। आगे देखो ई एफ जी, जी
एच आई जे के यानी कि प्लस फोर, के प्लस टू यानी कि के एल एम, फिर यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्लस फोर, एम एन ओ पी क्यू, दिस शुड बी क्यू यानी कि आई क्यू, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ पे प्लस टू बन रहा था, सेकेंड वाले में प्लस टू प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर ऑल्टरनेट बन रहा है सीरीज, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ भाई बताइए, एनीवन, आया किसी का आंसर? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ। अल्फाबेट्स के ऊपर ये सवाल है, यानी कि उसका जो प्लेस वैल्यू है, अल्फाबेट्स का जो प्लेस वैल्यू होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए और बताइए। ऑप्शन टू ऑप्शन बी। देखो बहुत ही आसान सवाल है, एक बार एक तो देख लो। प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है, अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू किसे बोलते हैं, कल ही मैंने आपको बताया है, यानी कि ए की अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ए का प्लेस वैल्यू होता है वन, यानी कि अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है उसका प्लेस वैल्यू वही होता है। यानी कि बी सेकेंड नंबर पे आता है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू टू है। इसी तरह से अप टू जेड, जेड का प्लेस वैल्यू 26 है। तो कह रहा भाई डी का मतलब अगर फोर है, यानी कि डी के प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो सी का मतलब कह रहा है 63 है। अब देखो सी का प्लेस वैल्यू क्या है, सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का प्लेस वैल्यू अगर देखोगे दिस इज 15, वी का प्लेस वैल्यू कितना है, वी का है 22, ई का है 5 और आर का है 18। इन सभी को अगर आप प्लस करोगे यू विल गेट 63, ठीक है। इसी तरह से बेसिस, इस वर्ड का आपको बताना है क्या यहां पे ऑप्शन बी, बी मतलब 2, ए का मतलब 1 और एस का मतलब 90 और आई का मतलब है भाई 9 और एस का मतलब 90। इन सभी को प्लस करिए, यू विल गेट द कोड, दिस इज 38, 38 ये हो गया और ये 2 यानी कि 40, 40 और 10 यानी कि 50, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसे अल्फाबेट से सवाल आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस वैल्यू पे ही क्वेश्चंस बनाता है हमेशा। हाँ बिल्कुल। चले आगे बढ़े, अगला सवाल एक और। इन अ सर्टेन कोड जर्मनी इज कोडेड एज दिस, देन इन द सेम कोड द रशिया इज कोडेड एज व्हाट, हमको बताना है उसी कोडिंग लैंग्वेज में रशिया को किस तरह से मैं कोड कर सकता हूं।
प्लेस वैल्यू के बारे में सोचिए, प्लेस वैल्यू पर ही सवाल है। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। और बताइए भाई, ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द अबव। अच्छा, थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, फटाफट से क्रैक करिए कि क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, प्लेस वैल्यू में किस तरह से प्लेस वैल्यू का यहाँ पे कोड बन रहा है। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं आंसर में काफ़ी। देखो, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। डी डी डी, ओके। चलिए आगे देखो, अब किस तरह से करना है। प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन है, मैंने बोला। अब जरा ध्यान से अगर देखोगे, जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज जर्मनी, जर्मनी मतलब जी, जी का मतलब क्या भाई, जी का मतलब सेवन। ई का मतलब फाइव, आर का मतलब एटीन, अट्ठारह। एम, एम का मतलब क्या, थर्टीन। ए का मतलब वन, एन का मतलब फोर्टीन, और वाई का मतलब 25। अगर ध्यान से देखोगे, जर्मनी का जो प्लेस वैल्यू है वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन कह रहा है उसका जो कोड है वो कुछ इस तरह से। तो जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, जी यानी कि सेवन दिख रहा है, सेवन, लेकिन यहाँ पे फिर फाइव आ गया भाई, फाइव भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नाइन आ गया, लेकिन नाइन तो नहीं है, लेकिन आर का जो प्लेस वैल्यू 18 है, यानी कि अगर वो टू डिजिट नंबर है तो उसके जो डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे, वन और एट को अगर प्लस करोगे यू विल गेट नाइन। नेक्स्ट देखो, फिर से एक टू डिजिट नंबर आ रहा है 13, 13 को अगर डिजिट को प्लस करोगे वन और थ्री यू विल गेट फोर। नेक्स्ट ए का मतलब वन, नेक्स्ट वन फोर यानी कि 14, दिस विल बी वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस फाइव दिस विल बी सेवन। यानी कि ये इस तरह से कोड बन रहा है, यानी कि जब भी सिंगल डिजिट नंबर बनेगा वो तो सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन डबल डिजिट नंबर आएगा तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो एक सिंगल डिजिट में उसको चेंज कर देंगे, राइट। इसी तरह से रशिया की अगर मैं बात करूं तो आप समझ रहे होंगे, आर का मतलब 18 यानी कि 1 + 8 यानी कि दिस विल बी 9। यू का मतलब क्या, यू का मतलब है 21, 21 मतलब 2 + 1 3, 9 और 3 ऐसा कोड दिख रहा है कहीं पे, थर्ड वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है तो ऐसे हम नहीं बता सकते कि आगे सही है कि नहीं। एस का मतलब क्या, एस का मतलब है भाई क्या, आर एस, दिस इज एस, ठीक है, यानी कि 19, 19 का मतलब 9 + 1 10, 9 + 1 क्या बना, 10 बना, 10 फिर से दो डिजिट नंबर बन गया, तो 1 + 0 दिस विल बी 1, यानी कि दिस विल बी 1, तो एक और एस है यानी कि 1। आई का मतलब, आई का मतलब 9, ए का मतलब 1, यानी कि 9 3 1 1 9 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल, उसके जब डबल डिजिट नंबर होगा, टू डिजिट नंबर होगा, वी हैव टू चेंज इट इन सिंगल डिजिट नंबर। कैसे, दोनों जो नंबर्स उसको हम प्लस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आया था एस का मतलब क्या, 19, इसको प्लस करके क्या बना, 10, अगेन प्लस करेंगे वी विल गेट 1, यानी कि इस तरह से। क्लियर हो गई बात, कर लोगे ना, कोई भी अगर इस तरह से प्लेस वैल्यू का कोई सवाल आएगा तो आपको इसी तरह से उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, तो जरा इसको करिए।
इस तरह के क्वेश्चन देखो आते हैं। मान के चलो कि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर फिर से रिपीट होता है सिमिलर वे में। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिले एमपी सेट के, उसको एक बार कर लो। कम से कम लास्ट 5 साल के तो करना ही चाहिए। जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। पेपर वन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हम क्या करते हैं कि भाई पेपर वन को ही हल्के में ले लेते हैं, तो फिर दिक्कत होती है एग्जाम में। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसको अच्छे से कर लेना। खासकर डीआई, डीआई में सीधे सीधे 4 से 5 पार्ट आते हैं एक साथ, तो डीआई के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो 5 सेट एक बार में आपके मार्क्स दे देगा अच्छे खासे। इसका आंसर बताइए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ओके यहां पे हमसे पूछ रहा है हाउ इज हाउ आर वी रिलेटेड टू ए एंड बी, यानी कि वी का रिलेशन ए से क्या है और साथ ही साथ बी से क्या है। ऑप्शन सी ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। ओके वी का रिलेशन बताना है कि वी कौन लगता है, किसका, ए का और बी का। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक फैमिली ट्री बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर अ चार्ट दैट इज कॉल्ड फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री क्या होता है, देखो कह रहा है ए इज अ सन ऑफ बी। ए बी का क्या है, सन है। अगर ए सन है तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज द सन ऑफ बी। जो लोअर जनरेशन होती हैं उसको हम नीचे रखते हैं, हायर जनरेशन होती हैं यानी कि जो पुरानी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं। यानी कि ए सन है बी का, तो इस तरह से लिखेंगे। बी इज द मदर ऑफ यू, बी कौन है, मदर है। यानी कि बी एक फीमेल है, फीमेल को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। माइनस का मतलब फीमेल, प्लस का मतलब मेल। तो हमें देख के समझ में आ जाएगा कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो बी इज द फीमेल एंड ए इज द मेल, और साथ में कह रहा है बी इज द मदर ऑफ यू। भाई बी अगर ए की मदर है ऑलरेडी, तो बी यू की मदर कैसे हो सकती है, इस तरह से। और साथ ही साथ यू और ए कौन होंगे फिर, आपस में, आपस में होंगे सिबलिंग्स। फिर कह रहा है यू इज द वाइफ, यू कौन है, वाइफ, यानी कि यू एक फीमेल होनी चाहिए। यू वाइफ है किसकी, वी की। यू अगर वाइफ होगी तो ऑब्वियसली फिर वी कौन होगा, वी एक हस्बैंड होगा। तो यू और वी आपस में हस्बैंड वाइफ है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डबल लाइनें लगाई। डबल लाइन का मतलब होता है यहाँ पे ये क्या है, एक कपल है, या तो हस्बैंड वाइफ के कपल्स हो सकते हैं, मदर फादर के, अंकल आंट, इस तरह से कपल्स होते हैं, तो उनको हम डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। और सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन को, या भाई भाई को, बहन बहन को एक सिंगल लाइन से जोड़ते हैं, कुछ इस तरह से। फिर कह रहा है वाइफ ऑफ वी, वी इज द फादर ऑफ जेड। वी कौन है, वी एक फादर है जेड का, यानी कि कुछ इस तरह से। और कह रहा है जेड इज द ब्रदर, जेड एक भाई है ऑफ डब्लू, कुछ इस तरह से। इतना हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब सवाल ये पूछ रहा है हाउ इज हाउ आर वी, वी का जो रिलेशन है, हाउ आर वी रिलेटेड टू ए, वी का रिलेशन ए से क्या है। वी कौन है ए का, भाई वी है ब्रदर इन लॉ। कौन है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि ये इसकी वाइफ, वाइफ का जो भाई है ये इसका कौन होगा, ब्रदर इन लॉ। यानी कि ऑप्शन में ये तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और नन ऑफ अब भी हो सकता है, क्योंकि अभी आगे हमें नहीं पता है। वी का रिलेशन बी से देखो, वी का रिलेशन अगर बी से देखोगे तो भाई बी कौन है, बी है यू की मदर। तो भाई ये इसकी डॉटर है, और डॉटर का जो हस्बैंड होता है ये कौन होगा इसका, ये होगी इसकी मदर इन लॉ। यानी कि वाइफ की जो मदर होंगी दैट विल बी मदर इन लॉ, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, वी का रिलेशन पूछ रहा है ना हमसे, वी का रिलेशन पूछ रहा है, वी विल बी अ सन इन लॉ। एक सेकेंड एक मिनट, हमसे कह रहा है वी इज, वी का रिलेशन वी कौन होगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। वी इज रिलेटेड टू ए,
और यहां पे होगा सन इन लॉ, ठीक है, दिस विल बी सन इन लॉ, नॉट मदर इन लॉ, दिस विल बी सन इन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे ही बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बार बार गलती करते हैं। वी का रिलेशन पूछ रहा है, तो जरा ध्यान से थोड़ा सा सोचिए, वी का रिलेशन यानी कि वी क्या रिलेट करता हूं उसे, वी कौन है, वी है सन इन लॉ। अब देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है, सन इन लॉ और मदर इन लॉ में। अब देखो अगर आप बी को कहोगे कि बी क्या है, बी तो उसकी मदर इन लॉ है, और वी क्या है, वी उसका सन इन लॉ है, तो लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होता है कि किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है। वी का रिलेशन ए से पूछा जा रहा है तो आपको समझ में आ गया ब्रदर इन लॉ, लेकिन वी का रिलेशन बी से पूछा जा रहा है यानी कि बी कौन लगता है ए का, बी का, बी होगा दैट विल बी सन इन लॉ, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, आते हुए भी गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है। चले आगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके करिए, ओके सी आ रहा है यानी कि थ्री। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे और पूछा गया है, और एंड नहीं है, और है, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पे और है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, ठीक है। दोनों में आपको ये चीज डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। फाइव आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार देख लो, कह रहा है इफ दिस, यानी कि यहां पे ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन द साइंस, यानी कि साइंस स्ट्रीम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगा इस ट्राइंगल से। फिर कह रहा है जो रेक्टेंगल है, रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन आर्ट्स, आर्ट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगा इस रेक्टेंगल से, और सर्किल रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट इन कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स इन लॉ, लॉ में जितने स्टूडेंट्स हैं। अब सवाल ये कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द कॉमर्स आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ साइंस, यानी कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स साइंस के भी स्टूडेंट होने चाहिए, और या आर्ट्स के स्टूडेंट्स होने चाहिए, या लॉ के स्टूडेंट होने चाहिए। चारों कंबाइन नहीं पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है, यानी कि
इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तब भी पॉसिबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देखो अगर आप बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का मतलब यहां पे क्या है, कॉमर्स का मतलब है यहां पे एक सर्किल, ठीक है। यानी कि ये जो आपको सर्किल दिख रहा है ना, ये कॉमर्स का पार्ट है। ऑलराइट, अब इस सर्किल के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स और ये इलिप्स और ये रेक्टेंगल्स आ रहे हैं कॉमन, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो यानी कि इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा, ये टू वाला पार्ट, ये है कॉमर्स एज वेल एज लॉ एज वेल एज आर्ट्स, और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में सारे के सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है। यानी कि इसमें थ्री भी आएगा और भाई इसमें टू भी आएगा, यानी कि दिस विल बी फाइव, दिस विल बी फाइव। और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये या तो ये, सब भी होगा तो भी चलेगा। बात समझ पाई? तो एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है तीनों के तीनों, अगर एंड होता तो क्वेश्चन में तो उसका आंसर होता फिर थ्री, ठीक है। अगर चारों के चारों एंड होता यानी कि सबके सब पूछ रहा है एक बार में, यानी कि दैट विल बी थ्री। अब साइंस में टू नहीं आ रहा है, देखो साइंस में टू नहीं आ रहा है कह रहे हो, ये जो साइंस है ना, ये ट्राइंगल वाला पार्ट, हमसे ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पार्ट एक में कॉमन आ जाए, यानी कि कुछ इस तरह का फिगर नहीं बन रहा है लाइक दिस, ऐसा कॉमन पार्ट नहीं पूछ रहे हमसे, हमसे पूछे और का मतलब होता है कि भाई कॉमर्स और साइंस वाले अगर मिल रहे हैं तो वो भी हमसे कह रहा है कि इसमें इंक्लूड कर लो, कॉमर्स और आर्ट वाले मिल रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर लेना है, कॉमर्स और लॉ वाले मिल रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर लेना है लाइक दिस। लेकिन क्या चीज़ कंपलसरी है, कि कॉमर्स वाला वहां पे होना चाहिए, ये कंपलसरी है, बाकी इनमें से एक हो चाहे दो हो चाहे सारे हो, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो यही डिफरेंस है और एंड, इसी चीज में कंफ्यूजन होता है बहुत बार स्टूडेंट्स को कि और क्या है एंड क्या है। अंडरस्टूड, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सवाल क्या है। इसको बोलते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन, या हम इसको सिंपली पजल भी बोल सकते हैं, पजल और क्वांटिटी कंपेयर का ही सवाल पूछा जाता है, जिसमें कुछ दोस्त हैं और उनकी कुछ हाइट है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, और साथ ही साथ जो ये गेम खेलते हैं उसको भी बताया गया है, उसको करिए। देखो
ओके, तो इसी के साथ समय हो चुका है समाप्त। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है। एनीवन, कोई करेगा इसका आंसर? आया किसी का बताइए। चलो, हमसे कह रहा है सिक्स फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू आर मेंबर्स ऑफ अ क्लब एंड ईच प्ले अ डिफरेंट गेम ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। पांच दोस्त हैं, सॉरी सिक्स फ्रेंड्स हैं, और वो अलग अलग गेम खेलते हैं। इस तरह से हमको दे रखा है, और साथ में हमसे बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, कह रहे टी हु इज टॉलर देन पी एन एस प्ले टेनिस, यानी कह रहा है जो टी है हु इज टॉलर देन पी एन एस, जो कि पी और एस से टॉलर है, वो टेनिस खेलता है। यानी कि कुछ इस तरह से टी एक पर्सन होगा और पी और एस से टॉलर है, टॉलर देन पी एंड एस बोथ, और साथ ही साथ कह रहा है ये टेनिस खेलता है, ये टेनिस का प्लेयर है। सी द टॉलेस्ट अमंग देम प्लेस बास्केटबॉल, यानी कि जो सबसे टॉलेस्ट है वो बास्केटबॉल खेलता है, तो इसी को हाईलाइट में कर देता हूं, जो टॉलेस्ट है वो बास्केटबॉल खेलेगा, और कह रहे जो शॉर्टेस्ट है वो वॉलीबॉल खेलेगा। आगे क्यू एन एस नाइदर प्ले वॉलीबॉल नॉर बास्केटबॉल, अब ये कह रहा है क्यू और एस जो है ना तो वॉलीबॉल खेलेंगे ना बास्केटबॉल खेलेंगे। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है क्यू और एस ना तो सबसे छोटे हैं ना ही सबसे लंबे हैं, क्योंकि वॉलीबॉल बास्केटबॉल वही खेलते हैं जो कि सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट है। क्लियर, आगे देखो टी इज इन बिटवीन पी एंड क्यू, कह रहा है टी पी और क्यू के बीच में है। अगर टी पी और क्यू के बीच में होगा तो इस तरह से बनेगा, यानी कि पी के पीछे होना चाहिए इसको, पी और क्यू के बीच में अगर टी है तो पी के पीछे होगा इस तरह से। आगे देखो एक दो तीन चार, चार लोग तो बैठ गए, और साथ में हमसे ये कह रहा था क्यू और एस वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलते, यानी कि क्यू और एस सबसे छोटे और सबसे लंबे नहीं है, इसका मतलब एस से छोटा भी कोई होना चाहिए फिर, और क्यू से लंबा भी कोई होना चाहिए, तभी ऐसी चीज पॉसिबल है। अब ये छह लोग बैठ गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोगों को मैंने इस तरह से बैठा दिया। आगे देखो, बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है क्यू प्लेस फुटबॉल, ठीक है भाई क्यू फुटबॉल खेलेगा, और सबसे जो लॉन्गेस्ट है टॉलेस्ट है वो बास्केटबॉल, और सबसे शॉर्टेस्ट वॉलीबॉल। कह रहा हु विल बी द थर्ड प्लेस इन द थर्ड प्लेस इफ दे अरेंज इन द डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो कह रहा तीसरे प्लेस पे कौन होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़े से छोटे में लगाया जाएगा, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, वन टू थ्री यानी कि थर्ड नंबर पे कौन है, टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो एकदम सही आंसर किया सभी लोगों ने भाई, सी विल बी द राइट आंसर, समझ में आ गया। तो पजल के साथ साथ क्वांटिटी कंपैरिजन यानी कि हाइट का जो कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है उससे ये सवाल पूछा गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी यानी कि टी होना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। तो आई होप आपको ये चीज हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम, जो कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो। खासकर पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो आप तभी कर पाओगे वहाँ पे एग्जाम में विद इन टाइम जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे उसकी, क्योंकि मैथमेटिक्स में पॉइंट्स में रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, मैं डेली यहाँ पे 4 बजे लाइव आता हूँ एट 4 PM, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाया करो डेली।
जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे रीजनिंग और पार्ट वन के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो। और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर भी किया करो, जिससे और भी स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ सके। और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर, आईएफएस एप्टीट्यूड के ऊपर। तो रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी, रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलेगा और आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपना रिविजन करो। ठीक है, थैंक यू।